हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से एक्रेलिक कलर को इतना इजीली मिक्सिंग करती हूँ। कि आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हो कि एक्रेलिक कलर क्या, आपके एक्रेलिक कलर क्या धीरे धीरे ड्राई होते हैं। तो कुछ बात ऐसा नहीं है कि एक्रेलिक कलर सबके लिए सेम है। मेरे में अगर 50% टाइम लगती है ड्राई होने में, तो आपके भी टाइम सेम होती है। तो बात ऐसा नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा से पूरा दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से एक्रेलिक पेंटिंग को इतना इजीली मिक्सिंग कर देता हूँ। तो इसके लिए वीडियो पूरा से पूरा देखना पड़ेगा। तो बिना स्क्रिप्ट के वीडियो पूरा से पूरा देखना, चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर करने में मत भूलना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्काई ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं मिक्सिंग करती हूँ कलर्स को। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल शीट, जो बेसिकली आप एक्रेलिक या ऑयल कुछ भी काम में ला सकती हो। तो इसका प्राइस है 40 रुपी। ये बहुत ही बड़ी शीट है, मैंने इसको छोटी छोटी पार्ट में काट लिया। तो ड्राइंग करने के से पहले मुझे इसके चारों तरफ मास्किंग टेप लगाना पड़ेगी। तो चलो मास्किंग टेप लगा लेते हैं। 1 2 3। आपको जहाँ पर जिस तरफ की कलर की ज़रूरत है, वहाँ पर उस तरफ के कलर को लगाना पड़ेगा पहले ट्यूब से। तो मैंने फर्स्ट वाइट का इस्तेमाल कर दूँ। एंड स्काई ब्लू, आप क्या करना, इसके बाद एक स्पैचुला लेना एंड इसको पूरा पेज के ऊपर स्प्रेड कर देना पहले, मतलब जहाँ पर आपकी ज़रूरत है। अगर आपको स्काई इतना तक करना है तो इतना तक ही कर देना। स्पीडली काम करना है। इस तरफ से आपको मिक्सिंग करना पड़ेगा। वो आप ऊपर से डार्क एंड जितना नीचे आएगी उतना लाइट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने नीचे पर ब्लू कलर कितना कम लगाया। एंड आपको एक ब्रश लेना पड़ेगा एंड बहुत ही फास्ट आपको मिक्सिंग करना पड़ेगा। आप पहले नीचे से मिक्सिंग करना स्टार्ट करना। आप चाहो तो इसको कुछ इस तरह के शेप या कुछ दूसरी तरफ शेप दे सकते हो। तो मैंने इसको लंबा लंबा शेप दे रही हूँ कि हर एक पेंटिंग में हर एक शेप का ज़रूरत है। तो हो गया स्काई ड्राइंग, इजीली हो गया। तो देखना मैंने किस तरह से लाइट डार्क एंड बहुत डार्क मीडियम करके किस तरह से इसको मिक्सिंग किया। तो इस तरह से आप भी ट्राई करो, फर्स्ट टाइम तो इस पार्ट को ट्राई करो। एंड देन मैं इसका जो क्लाउड वाला पार्ट है उसको लाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करने में मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।